बढ़ते हैं आगे। बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार आने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 साल में करीब 4.5 लाख नौकरी और 11 लाख रोजगार दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नौकरी और रोजगार की मार झेल रहे बिहार में बहुत जल्द बम्पर बहाली होने जा रही है। नौकरी और रोजगार की बहार लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार देने का भी है। अब तक 5,16,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 नौकरी के लिए प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। सरकार ने अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा है। 2,11,000 नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए 11 लाख से ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। बिहार में बम्पर वैकेंसी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत निकाली जाएगी। अगले 3 महीनों में करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर भी विधानसभा के अगले सत्र में सख्त कानून लाए जाने की बात कही है। बिहार में नौकरी की बहार को लेकर सियासत भी जारी है। सरकारी नौकरी देने के अपने वादे पूरे करने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सत्ता पक्ष जहां सरकार की योजना को जमीन पर उतारने के लिए उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष नौकरी को लेकर अपनी क्रेडिट ले रहा है। बिहार की एनडीए सरकार मिशन मोड में 24-25 तक 11 लाख नौकरियां देगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 5,16,000 नौकरियां दे दी गई है और 1,99,000 पदों पर प्रक्रियाधीन है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर नियुक्तियां पत्र बांटने के लिए। 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की बात आज मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन ये सिर्फ जुमलाबाजी है। ये उसी तरह से भ्रम की राजनीति है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बिहार में नौकरी रोजगार का मुद्दा काफी अहम रहा है। युवाओं को नौकरी चाहिए। विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग लगातार की जाती रही है। नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही नौकरी देने का वादा निभाते आए हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के बाद बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली और नौकरी की उम्मीद जगी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और रोजगार पर नीतीश के मिशन मोड को आप भी समझ लीजिए। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी सरकार कर रही है। खाली पड़े तमाम पदों को लेकर बहाली निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसी के लिए ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों की सूची मांगी गई है और अब तक 4,72,976 रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है। बिहार में कार्यरत बलों की संख्या है 11,53,951। स्वीकृत बलों की संख्या है 16,26,927। साल 2024 के अंत तक खाली पड़े पदों पर बहाली का लक्ष्य विभाग फेज वाइज अलग अलग पदों के लिए निकालेगी वैकेंसी। और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 खाली पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पदों को भरा जाएगा। गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लें तो 11,784 पद खाली। ऊर्जा विभाग में 5,563 पद खाली। जल संसाधन विभाग में 13,712 पद
परिवहन विभाग में 7531 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 15214 पद खाली, श्रम संसाधन विभाग में 5039 पद खाली, लघु जल संसाधन विभाग में 7548 पद खाली, समाज कल्याण विभाग में 10844 पद खाली। वहीं भवन निर्माण विभाग की बात कर लें तो 3888 पद अभी खाली हैं, यानी कि इन तमाम पदों को भरने की प्रक्रिया अभी से जारी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में इस वक्त नौकरियों की बहार है।